ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 इंडिया और साउथ एशिया में पहली बार हुई। इस समिट की थीम थी वुमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, जहां यूएस प्रेसिडेंट की एडवाइजर मिस इवांका ट्रंप ने भारत की सफलताओं की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स को भारत में व्यापार करने का निमंत्रण दिया। लगभग 1500 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने ये समिट अटेंड किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के उपलक्ष में पूर्व सैनिकों के परिवारों को सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। 2018 में पॉजिटिव सोच के साथ प्रवेश करने के लिए उन्होंने लोगों से 2017 के 5 पॉजिटिव अनुभव #positiveindia के साथ शेयर करने को कहा। HT लीडरशिप समिट 2017 में द इररिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, जो कि एक न्यू इंडिया की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 किलोमीटर लंबी हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मेट्रो प्रोजेक्ट के कमर्शियल ऑपरेशंस 29 नवंबर से शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने 10 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1,12,083 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट पर राज्यों द्वारा दी जाने वाली छूट योजना के तहत सरकार ने GST दरों में बदलाव के बारे में सूचित किया। ये टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। भारत का GDP ग्रोथ रेट दूसरे क्वार्टर में 6.3% तक पहुंचा, जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। आधार के माध्यम से अनाथालय में रहने वाले 500 से अधिक बच्चों की पहचान हुई। अनाथालय में जब बच्चों का आधार एनरोलमेंट किया जा रहा था, उस समय पता चला कि उनका एनरोलमेंट हो चुका है। इससे आसानी से उन्हें उनके परिवारों से जोड़ा गया। और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए www.mygov.in पर।